हेलो व्यूवर्स, डेनिस चीजिल की एक्सरसाइज 2.2। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं 15 नंबर पे क्या लिखा है मेरे पास। डी कैपिटल एस ओवर में डी आर इज इक्वल टू के टाइम कैपिटल एस। यहाँ पे अब जो हम यूजुअल वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं एक्स और वाई, वो नहीं है, बल्कि उसके अंदर उसने एस और आर को वेरिएबल के तौर पर लिया है। अच्छा, अब हमें देखना है कि हम किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। लाइक हम नॉर्मल सिचुएशन में वाई को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहाँ देखना है कि वाई कौन सा है। एस क्या वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है या आर वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, आप इसको आप इस टर्म को देखिए, डी एस ओवर डी आर। एस को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर हमारा इंडिपेंडेंट है, एस हमारा डिपेंडेंट है। जिस तरह हमारे पास आम सिचुएशन में क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है। तो देखिए, जहाँ वाई है वहाँ पे कैपिटल एस है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें एस को यहाँ पे जो है वो लेफ्ट पे रखना है। तो देखिए, एस को यहाँ टर्म ले, तो एक स्टेप कीजिए, ये अब बनेगा मेरे पास डी एस ओवर में एस आ जाएगा और ये के टाइम डी आर आ जाएगा। एस और आर के अलावा जो भी नया वेरिएबल है वो यहाँ पे ऐसा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जो के होगा वो भी कॉन्स्टेंट होगा। इंडिकेट कर दीजिए, देखिए ये डी एस ओवर में एस आ जाएगा, ये के बाहर शिफ्ट हो जाएगा और जस्ट ये डी आर बन जाएगा। अब इसकी इंडिकेशन क्या बनेगी, ये देखिए, जिस तरह आपके पास डी एक्स ओवर एक्स होता है, लाइक वन ओवर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो लॉग एक्स होती है, इसी तरह जब हम यहाँ पे एस के अबाउट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वन ओवर एस की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो नेचुरल लॉग ऑफ एस बन जाएगी। राइट हैंड साइड में के वैसे का वैसे रहेगा और ये डी आर का इंटीग्रल है, जैसा डी एक्स का इंटीग्रल याद करेंगे। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो एक्स होती है, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें। यहाँ चूँकि हम आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी वो आर आएगी और प्लस हमारा कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, आप इसको चाहे सी वन कह दीजिए फिर। अब देखिए, यहाँ पे आप क्या करें, लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। अगर एक तरफ लॉग हो, नेचुरल लॉग ऑफ अगर x इज इक्वल टू वाई लिखा हो, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कीजिए, ये मेरे पास बनेगा s इज इक्वल टू, और ये जो राइट हैंड साइड है सारी e की पावर में आ जाएगी, k टाइम r प्लस सी वन बनेगा। यहाँ पे देखिए, आप फिर स्प्लिट कर दीजिए पावर, e रेस टू पावर k r इन टू ई रेस टू पावर सी वन बन जाएगा। c भी कॉन्स्टेंट है, e भी कॉन्स्टेंट है, इट मीन ये जो पूरा का पूरा टर्म फैक्टर बन रहा है ये एक कॉन्स्टेंट का नाम c रख दीजिए, तो s जो बनेगा वो c टाइम e रेज टू पावर k इंटू आर, ये मेरा इसका फाइनल आंसर आएगा। फिर मैंने जो e की पावर सी वन है उसको मैंने c कह दिया। देखिए, इसी तरतीब से ये क्वेश्चन बड़े इजी दिए हुए हैं, आप 16 चेक कर लीजिए। 16 में जो मेरे पास है वो दिया हुआ है d कैपिटल q ओवर में d t बराबर है k टाइम कैपिटल q माइनस 70। तो देखिए, आप डी वाई बाई डी एस की जब इसको इक्वेट करेंगे, तो इसमें जो वहाँ वाई है वहाँ पे हमारे पास अब कैपिटल क्यू आ गया है, तो हमने कैपिटल क्यू के जो वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल सब्जेक्ट कीजिए, ये मेरे पास डी कैपिटल क्यू ओवर में कैपिटल क्यू माइनस 70 लेफ्ट पे आ जाएगा और के फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और इनटू देखिए डी टी बन जाएगा। दोस्तों, इंडिकेट कर दीजिए कि देखिए, अब नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है। क्यू माइनस 70 का जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वो 1 रहेगा, वो उसके ऊपर है। जिस तरह 1 ओवर क्यू होता तो लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ क्यू आना था आंसर, ये सब 1 ओवर क्यू माइनस 70 भी जो करेंगे, जब इंडिकेट करेंगे, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ क्यू माइनस 70 आएगा और राइट हैंड साइड भी के बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। और जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये टी बन जाएगा, साथ सी वन लगा दीजिए और सेम वही पैटर्न कीजिए, वही स्टेप कीजिए, लॉग ख़त्म कीजिए, तो q माइनस जो 70 आएगा वो e रेस टू पावर k t प्लस c1 बनेगा, जिसको आप e रेस टू पावर k t इंटू e रेस टू पावर c1 कह सकते हैं। ये इसको आप दोबारा से रीनेम कर दें, लेफ्ट पे q माइनस 70 है और ये बन जाएगा c टाइम e रेस टू पावर k t बनेगा, और इट मीन जो q जो बनेगा वो 70 प्लस c टाइम e रेस टू पावर k t बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। 17 देखिए, डी कैपिटल पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वेयर। देखिए, यहाँ पे जो पी है, क्योंकि उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इट मीन यहाँ पे हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी को सेपरेट कीजिए, ये डी पी ओवर में पी माइनस पी स्क्वेयर बराबर है डी टी आएगा। तो देखिए, मेरे पास जो है ये, अगर इसको इंटीग्रेट कर दूँ, तो ये डी पी ओवर में
नीचे देखिए आप p कॉमन ले सकते हैं, तो p इंटू वन माइनस पी बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके जो डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का अपने याद हो उसको इस्तेमाल करेंगे। आप इसके लिए कंसिडर के लिए वन ओवर पी इंटू वन माइनस पी बराबर है ए ओवर पी लीजिए और बी ओवर में सेकेंड फैक्टर वन माइनस पी लीजिए। अब देखिए राइट हैंड साइड पे आप लीजिए इसका एलसीएम लीजिए, ये जो बनेगा मेरे पास पी इंटू वन माइनस पी, ये बनेगा ए टाइम वन माइनस पी और बी टाइम पी बनेगा, ये इसे कटेगा और बाकी बचेगा वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस पी प्लस बी इंटू पी बनेगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, पी की डिफरेंट वैल्यू लीजिए, हम इस डिनोमिनेटर को देखकर पी की वैल्यू सेट करते हैं, मतलब पहले हम पी की वो वैल्यू लेंगे इसके लिए डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है, तो पहले आप पी की जो है वो जीरो लीजिए, पी इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो टर्म बनेगी वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस पी, चूँकि पी जीरो है तो वन रह जाएगा और इस पी की जीरो होने के बाद सेकेंड टर्म सारी जीरो बन जाएगी, यहाँ से मेरे पास जो ए बचेगा वो वन आ जाएगा। सेम अब आप नेक्स्ट जो पी लीजिए वो इस फैक्टर को देखकर आप पी को यहाँ पे वन लीजिए, यहाँ प्लग कीजिए, वन इज इक्वल टू जब यहाँ वन प्लग करूँगा वन माइनस जीरो, फर्स्ट फैक्टर जीरो बन जाएगा और सेकंड फैक्टर बी वैसे का वैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे जो बी बन जाएगा वो भी वन के बराबर आएगा, तो ए भी वन बी भी वन, इट मीन्स इस टर्म को देखिए यहाँ पर बनेगा इंटीग्रल, या आप यहाँ ए बी प्लग कर दीजिए, इट मीन्स कि जो ये जो फैक्टर है वन ओवर पी इंटू वन माइनस जो पी है ये बराबर आएगा ए ओवर पी, जो कि वन है ए, तो वन ओवर पी प्लस वन ओवर वन माइनस पी के बराबर आएगा। हमने इसको सप्लीट कर दिया, आप इसको लेंगे एलसीएम चेक कर सकते हैं, ये इसका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। अब हम असली इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इट मीन्स को आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ या आप इसकी वाली यहाँ पर कर दीजिए, ये बनेगा इंटीग्रल डी डी पी, या आप इंटीग्रल वन ओवर पी प्लस वन ओवर वन माइनस पी इंटू डी पी बराबर है इंटीग्रल डी टी आ गया, यानी मैंने यहाँ पे जिसकी वैल्यू प्लग कर दी है, ठीक है, वन ओवर पी माइनस वन पी की वैल्यू मैंने फाइंड की थी पार्शियल फ्रैक्शन से, वो मैंने यहाँ प्लग कर दिया, रिमेनिंग एवरीथिंग एज से ही रख दी है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए टर्म बाय टर्म, वन ओवर पी जब करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पी तो ये नेचुरल लॉग ऑफ पी बन जाएगा, और यहाँ देखिए जब इससे करेंगे इंटीग्रेट करेंगे वन ओवर वन माइनस पी है, रूल क्या कर दीजिए फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वन माइनस पी का जो डेरिवेटिव होता है नेगेटिव वन, ऊपर वन है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो सर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, बाकी जो बनेगा वो नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस पी बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे इसकी इंटीग्रेशन टी प्लस सी वन आ जाएगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, दो लॉग अगर सब्ट्रैक्ट हो तो लॉग क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं, ये पी ओवर में वन माइनस पी बन जाएगा इज इक्वल टू टी प्लस सी वन बनेगा, फिर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, ये बनेगा पी ओवर में वन माइनस पी ई रेज टू पावर टी प्लस सी वन बनेगा, जिसको आप पहले की तरह सब्मिट करेंगे e की पावर t बनेगा और e की पावर c1 बनेगा और इसको आप c कह दीजिए तो ये c e की पावर t रह जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया p ओवर 1 माइनस पी इंटू सी टाइम्स e रेज टू पावर t। यहाँ पे हम p को सब्मिट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ये p रह जाएगा और ये 1 माइनस पी उधर लेके आकर साथ c होगा e की पावर t बन जाएगा, ठीक है, मैंने 1 माइनस पी फैक्टर को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको ओपन कीजिए, p इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो c टाइम e t बन जाएगा, p से करेंगे तो p इंटू सी टाइम e रेज टू पावर t बन जाएगा। ये जो सेकंड टर्म बनी है इसको आप लेफ्ट पे ले आइए, लेफ्ट पे p ऑलरेडी है प्लस p c e रेज टू पावर t इज इक्वल टू c a रेज टू t बन गया, मैंने इस वाली टर्म को लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव बन गया। यहाँ से देखिए p कॉमन आ जाएगा, तो p कॉमन आएगा 1 प्लस c e रेज टू पावर t रह जाएगा इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर टी रह जाएगा। अब इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वो सी टाइम ई टी ओवर में वन प्लस सी टाइम ई टी बन जाएगा। देखिए ये इसका पी को हमने बड़े खूबसूरत अंदाज में सेपरेट कर दिया। 18 क्वेश्चन देखिए, डी एन बाई एन इक्वल एन एन इक्वल एन टाइम टी ई रेज टू पावर टी प्लस टू। यहाँ देखिए अब एन आ गया, इट मीन्स अब हमें एन की जो है वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला काम यह कीजिए कि इस एन को राइट पर लीजिए, ये बनेगा मेरे पास डी एन ओवर में डी टी बराबर है एन टी ई रेज टू पावर टी प्लस टू और माइनस एन आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड पर आप एन कॉमन ले सकते हैं, ये टी ई रेज टू पावर टी प्लस टू माइनस वन बनेगा और लेफ्ट पे डी एन बाय डी टी आएगा। अब एन से डिवाइड यहाँ पे कर दीजिए तो डी एन बाय एन बन जाएगा और डी टी वहाँ ले जाएंगे तो ये टी
e raised to power t plus 2 minus 1 into dt बन जाएगा, और साथ ही आप इंटीग्रेट कर दीजिए। लेफ्ट पे जो बनेगी इंटीग्रेशन वो नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगी, और यहाँ पे देखिए आपको इंटीग्रेशन जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, एक et plus 2 dt को अलग कर दीजिए और dt को आप अलग कर दीजिए। अच्छा, ये बनेगा मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ n। अब इस फर्स्ट वाली जो इंटीग्रल को अब इंटीग्रेट करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। t को फर्स्ट फंक्शन लीजिए, t वैसे का वैसे, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए, e रेज टू पार्ट t प्लस 2 को करेंगे तो वही इसका आंसर आएगा, दोबारा इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे वो 1 नहीं है। माइनस इंटीग्रल ये स्टेप दोबारा करेंगे t प्लस 2, और t को करेंगे जब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू t तो 1 आ जाएगा, इनटू dt, और ये जो dt का इंटीग्रल रहेगा जस्ट ये t बन जाएगा, साथ आप c1 ले लीजिए। ये नेचुरल लॉग ऑफ n बन जाएगा t e रेज टू पावर t प्लस 2 माइनस, ये देखिए फिर e रेज टू पावर t प्लस 2 का इंटीग्रल है, उसका फिर इंटीग्रल e रेज टू पावर t प्लस 2 बन जाएगा, माइनस t आएगा और प्लस c1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप इस दो पहले फैक्टर के अंदर जो है वो आप e की पावर t प्लस 2 को कॉमन ले सकती हैं, और फिर ये e की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ n e रेज़ टू पावर t प्लस 2 जो t माइनस 1 माइनस t प्लस 1, देखिए ये इसका आंसर आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं, इसमें आप जो है दोबारा से e लगा सकती हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे n इधर है नहीं, n वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पे, इसको e की फॉर्म में करेंगे वो अजीब सी फॉर्म बन जाएगी, इसको इसी फॉर्म में रहेंगे ये इसका आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, dy by dx x y plus 3x minus y minus 3 होल ओवर में x y minus 3x plus 4y minus 8। बजाय लग रहा है कि इसमें x और y आपस में बड़े कम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन आप थोड़ी सी अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप देखिए इसको सब्जेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे, देखिए आपको x का मन आ जाएगा, x जब कामर लेंगे तो बाकी रहेगा y plus 3, सेकेंड टर्म में माइनस कामर लेंगे तो देखिए y plus 3 रह जाएगा। नीचे आ जाइए, फर्स्ट टर्म फिर x का मन आएगा, बाकी बचेगा y minus 2, और लास्ट टर्म में 4 कॉमन लीजिए तो ये भी y माइनस 2 बनेगा, और देखिए ये y प्लस 3 दोबारा से कॉमन आ जाएगा ऊपर से, और रिमेनिंग बचेगा वो x माइनस 1 रह जाएगा। नीचे देखिए y माइनस 2 कॉमन आ गया, और जो बाकी रह गया वो x प्लस 4 होंगे। अब y का टर्म वहाँ ले आइए तो ये y माइनस 2 ओवर में y प्लस 3 इंटू डी वाई रह जाएगा, और ds वहाँ ले आइए तो ये x माइनस 1 ओवर में x प्लस 4 इंटू डी एस आ जाएगा। याद रखिए जब ये टर्म वहाँ लेगा तो y प्लस 3 नीचे आई है और y माइनस 2 उसके ऊपर आई है, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक हो गया, या तो आप उसको डिवीजन पहले करके इसको सेट कर लें, या आप इसमें कुछ प्लस माइनस कर दें इसके न्यूमरेटर में ताकि वो डिनोमिनेटर के जैसा बन जाए। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें इसके न्यूमरेटर में अगर मैं y प्लस 3 बना चाहूँ तो मुझे इसके अंदर जो है वो 3 को ऐड और माइनस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये x प्लस 4 लिखा है, इसी 4 को देखते हैं ऊपर, यहाँ पे 4 प्लस और माइनस कर देता हूँ, ये क्या बनेगा इंटीग्रल y प्लस 3, और जो रिमेनिंग अगर माइनस 2 और माइनस 5 तो वो 5 आप सेपरेट कर दें, वो बने y प्लस 3 रह जाएगा इंटू डी वाई, और यहाँ देखिए x प्लस 4 मैंने सेपरेट कर दिया, और बाकी माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 4 वो माइनस 5 बनेगा, वो अलग हो गया, और नीचे x प्लस 4 इंटू डी एक्स बन गया। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, y प्लस 3 ओवर y प्लस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 5 टाइम y प्लस 3 बन जाएगा, इस फॉर्म में आ गया dy, और यहाँ देखिए ये भी जब x प्लस 4 को x प्लस सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 आ जाएगा, और 5 ओवर x प्लस 4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इंटू डी एक्स बन जाएगा। इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है, तो देखिए 1 की इंटीग्रेशन विस्पेक्ट टू y करेंगे तो y बन जाएगी, और ये 5 बाहर आ जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका बनेगा डेरिवेटिव, y प्लस 3 का जो होता है डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन विस्पेक्ट टू x करेंगे वो x आ जाएगी, माइनस 5 बाहर आएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 प्लस देखिए कॉन्स्टेंट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये काम कीजिए कि नेचुरल लॉग के जो टर्म्स हैं वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक तरफ कर लीजिए और रिमेनिंग एक तरफ कर दीजिए ताकि वहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। तो इसको जो 5 वाली टर्म यहाँ ले आइए, यहाँ के प्लस बनेगी, प्लस 5 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 है, माइनस 5 नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 3 है, इज इक्वल टू x, और ये माइनस y प्लस c आ गया। ये देखिए 5 कॉमन आ जाएगा, जो बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म माइनस नेचुरल दिस टर्म, दो लॉग जब माइनस होंगे तो वो आएंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, तो ये x प्लस 4 ओवर में y प्लस 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस y प्लस c बन जाएगा।
इसको देखिए, फाइव को उसकी पावर में लीजिए तो बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर ओवर में वाई प्लस थ्री इसकी पावर में फाइव बन जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी, जो लॉग से पहले है वो उसकी पावर बन जाएगा एक्स वाले की, और बाकी रह गया एक्स माइनस वाई प्लस सी। फिर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, एक तरफ लॉग ख़त्म जब करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, जब लॉग ख़त्म होगा तो ये एक्स एक्स प्लस फोर ओवर में वाई प्लस थ्री इसकी पावर में फाइव ऐसे का वैसे रहेगा, और ये जो राइट हैंड साइड है वो एवरीथिंग जो है वो ए की पावर में एक्स माइनस वाई प्लस सी रह जाएगी। सबमिट कर दीजिए, एक्स प्लस फोर इसकी पावर में भी फाइव है, वाई प्लस थ्री इसकी पावर में भी फाइव बन जाएगा, और यहाँ पावर स्प्लिट कर दीजिए, ए की पावर एक्स रह जाएगी, ए की पावर माइनस वाई रह जाएगी, और ए की पावर देखिए सी रह जाएगी। फर्दर सबमिट कीजिए इसको, जो है आप ए वाई प्लस थ्री को वहाँ ले जाएं और ई वाई को यहाँ लें, तो ये बनेगा एक्स प्लस फोर इसकी पावर में फाइव, और ई वाई नीचे आ जाएगा, ये e की पावर माइनस वाई नीचे आ गया, इधर e की पावर में x है और इंटू वाई प्लस थ्री इसकी पावर में फाइव इंटू e की पावर c1 को आप c1 कह दीजिए, ये y ऊपर ले जाइए तो ये बनेगा वाली x प्लस फोर इसकी पावर में फाइव इंटू ई वाई आ जाए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 e रेज टू पावर x रह जाएगी और इंटू वाई प्लस थ्री की पावर फाइव आ जाएगा। ये देखिए आपका 19 questions, 20th बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, आप वो भी इस तरह कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट में जो रिमेनिंग सेट ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगी वो फिर सॉल्व करेंगे।